जम्मू कश्मीर की अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट सबसे हॉट सीट बन गई है, वो इसलिए क्योंकि वहां राज्य के दो पूर्व मुख्यमंत्री चुनावी मैदान में आमने सामने आ गए हैं। पीडीपी की मुखिया महबूबा मुफ्ती का इस सीट पर मुकाबला डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद से होगा। राजनीति में कब कौन कहां सियासी पलटी मार जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इसकी एक ताजा मिसाल जम्मू कश्मीर से सामने आई है, जहां कल तक जो एकजुट होकर बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए जी जान से जुटे दिख रहे थे, वो दल ही आज एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। महबूबा मुफ्ती की पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने कश्मीर की 3 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतार दिया। इसमें महबूबा मुफ्ती खुद अनंतनाग राजौरी सीट से चुनाव लड़ेंगी, जिसमें उनका मुकाबला डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद से होगा। कि वो जो कहते हैं कि वहां से क्यों नहीं लड़े, वहां से लड़े, उनके लिए तमाम लोगों के लिए कहता, गुलाम नबी आजाद महाराष्ट्र से भी लड़ सकता है और वहां से भी जीत सकता है। इसके अलावा सेंट्रल श्रीनगर सीट से वहीद उर रहमान परा और बारामूला सीट से फयाज अहमद मीर को पीडीपी ने उम्मीदवार बनाया है। महबूबा मुफ्ती ने दावा किया कि घाटी के लोगों की आवाज को संसद तक पहुंचाने के लिए उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला किया। जैसे मैं कहती हूं, मैं फाइटर हूं और मुझे अपने वर्कर पे यकीन है, तो मैंने सोचा ये चैलेंज कबूल करूं मैं और मैं वहां लड़ूं। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस इससे पहले ही अनंतनाग राजौरी सीट से गुर्जर नेता मियां अल्ताफ को मैदान में उतार चुकी है, जिनकी इलाके में मजबूत पकड़ मानी जाती है। हालांकि उमर अब्दुल्ला इससे पहले ही पीडीपी से सीट बंटवारे पर निशाना साध चुके थे। तो मैंने पहले ही आपसे कहा ना, आप जो तीसरे नंबर पे आए उनको सीट मांगने का कहां से हक बनता है, और वो तीसरे नंबर पे तब आए जबकि पूरी जमात उनके साथ थी। अगर मुझे इंडिया अलायंस में जाने से पहले यह कहा गया होता कि इंडिया अलायंस में हमें अपने आप को कमजोर करना है इंडिया अलायंस के किसी दूसरे मेंबर के लिए, मैं शायद कभी इंडिया अलायंस में जाता ही नहीं। वहीं बीजेपी भी इन सीटों पर जीत के लिए सियासी समीकरण बिठाने में जुटी है। माना जा रहा है कि पीडीपी के चुनावी मैदान में आने से होने वाले वोटों के बंटवारे का फायदा बीजेपी को मिल सकता है। यहाँ गुलाम नबी आजाद और महबूबा मुफ्ती के अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस का दिग्गज ट्राइबल लीडर मियां अल्ताफ भी मैदान में है, और जिस तरह से डिलिमिटेशन के बाद इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को जियोग्राफिकली बनाया गया है, उसमें मियां अल्ताफ का पल्ला भी बारी दिख रहा है। कैमरा पर्सन फाह मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, कश्मीर। अनंतनाग राजौरी सीट को नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ माना जाता है, और यही वजह रही है कि इंडिया गठबंधन में शामिल पीडीपी से बिना बात किए ही फारूक अब्दुल्ला ने वहां से अपना उम्मीदवार मैदान में उतार दिया, जिसके बाद महबूबा मुफ्ती ने भी इसी सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया, और अब उनका मुकाबला डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद से भी होगा। अनंतनाग सीट के समीकरण की अगर हम बात करें तो परिसीमन के बाद इस लोकसभा सीट में 18 विधानसभाएं आ गई हैं, जिसमें अनंतनाग में 7, कुलगांव में 3 और पुंछ में 3 हैं। शोपिया के 1 और राजौरी में 4 विधानसभाएं हैं। यहां पहाड़ी, गुज्जर, हिंदू और मुस्लिम मतदाताओं की तादाद है, जिसमें पहाड़ी और गुज्जर वोटर्स हार और जीत के फैसले में अहम साबित हो सकते हैं, और इस सीट पर अधिकतर समय फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस का दबदबा रहा है। लेकिन पीडीपी की महबूबा मुफ्ती ने 2004 और 2014 में इसी सीट से जीत दर्ज की थी, जबकि 2009 और 2019 चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहां से जीत दर्ज की थी। वहीं गुलाम नबी आजाद की अगर बात की जाए तो 2014 में वो उधमपुर से कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़े थे, लेकिन बीजेपी नेता जितेंद्र सिंह से उन्हें शिकस्त मिली थी, जिसके बाद अब वो खुद की पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर अनंतनाग सीट से अपना पहला लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अनंतनाग राजौरी सीट पर तीसरे चरण में 7 मई को मतदान होना है। इस बीच जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे का ऐलान भी हो गया है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी कि अनंतनाग, बारामूला और श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस, जबकि उधमपुर, लद्दाख और जम्मू की सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। इस दौरान दोनों ही पार्टियों ने इन सीटों पर अपनी अपनी जीत का दावा भी किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जम्मू कश्मीर लद्दाख की जो 6 सीटें हैं, यहाँ पे हम मिलके इलेक्शन लड़ेंगे। 3 सीटों पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार होंगे,
और तीन सीटों पे हम कांग्रेस के उम्मीदवारों की मदद करेंगे। Z News.